हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू गाइस? कैसे हो सब लोग? आई होप यू गाइस आर डियर रियली डूइंग वेल, स्टडिंग वेल. एग्जाम्स धीरे धीरे जल्दी आ रही है, नजदीक आ रही है. एंड आई डोंट नीड टू टेल यू दिस दैट आपके एग्जाम तक यू विल हैव फुल सपोर्ट फ्रॉम माई साइड. टूडे आई हैव कम टू गिव यू अ लॉट ऑफ गुड न्यूज. अब बहुत सारी अच्छी अच्छी न्यूज देने के लिए आया हूँ. आई हैड प्रोमिस्ड कुछ महीनों पहले जब मैंने अपनी रिकॉर्डिंग इस साल के लिए शुरू की थी, तो उस टाइम मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस साल बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स में आई विल बी ब्रिंगिंग वीडियो लेक्चर्स फॉर यू. तो क्या क्या अलग अलग टाइप के वीडियो लेक्चर्स इस साल, स्पेशली ड्यू टू डिमांड एंड रिक्वेस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट. नाउ द नंबर इज नो लॉन्गर इन हंड्रेड, इट इज थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. तो क्या क्या आपके लिए लेके आया हूं, जल्दी जल्दी जाके देखते हैं. सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स दैट आई एम ब्रिंगिंग फॉर यू दिस टाइम आर फॉर मे नवंबर 2019, यानी कि असेसमेंट ईयर 1920 के वीडियोस में आपके लिए लेके आया हूं. फर्स्ट कोर्स, फुल कोर्स. अच्छा, जो भी ड्यूरेशन मैंने लिखा है ना, इट कैन बी 5-10% ईयर एंड देर, 5-10% ईयर एंड देर. ओल्ड सिलेबस 150, न्यू सिलेबस 160, 100% कवरेज. एक एक डिटेल के अंदर टॉपिक्स इंक्लूडिंग आईपीसीसी टॉपिक्स, ओनली फैकल्टी इन इंडिया हु डज दैट विथ यू. All amendments in detail, complete detail. और करीब करीब 400-450 क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में सॉल्व किए. अगर आप पहली बार टैक्स पढ़ रहे हो तो दिस इज द बेस्ट थिंग, रेकमेंडेड फॉर फर्स्ट टाइमर, यानी जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट. और सबसे स्पेशल अट्रैक्शन इस कोर्स का यह है कि जो पेपर 6 है इंटरनेशनल टैक्स, यस यस यस, आपने बिल्कुल सही देखा और पढ़ा है, पेपर 6 ही विल बी गिवन फ्री अलॉन्ग विथ पेपर नंबर 7. इन एनी केस 70% से ज्यादा आपका पोर्शन पेपर नंबर 7 में कवर हो जाता है, तो जो डिफरेंस है आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट विल बी गिवन. सो न्यू सिलेबस वालों को पेपर 6 विल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर आपको रियल एजुकेशन चाहिए, इफ यू वॉन्ट टू नो वॉट इज द लॉ, इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ ब्यूटिफुल द लॉ इज, एंड इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट द प्रोफेसर इज, फुल कोर्स से बेटर और कोई कोर्स नहीं है इन माई हम्बल ओपिनियन. इसमें सब कुछ कवर कर लिया. सच में बताऊं तो एक बार अपने फुल कोर्स ले लिया तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है. मैक्सिमम जो मैंने रिवीजन का रिकॉर्ड किया है, रिवीजन ताकि आपका बहुत जल्दी जल्दी आपका रिवाइज हो जाए, इट इज लाइक एनी स्टूडेंट हु हैज स्टडीड इन क्लासरूम ऑल्सो फेस टू फेस फ्रॉम मी ऑल्सो, उसको भी रिविजन के काम आएगा मैक्सिमम. वो भी अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, उसके बाद मैं आगे बाद में करता हूं. मगर ये फुल कोर्स है वेरिन आई एम कवरिंग एवरीथिंग इन कंप्लीट डिटेल, 100% डिटेल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोर्स नंबर 2, क्रैश कोर्स. यस प्लीज, दोज़ हू नो मी क्लियरली आर अवेयर कि मैं क्रैश कोर्स के कॉन्सेप्ट के कितना खिलाफ हूं. आई ऑलवेज से दिस टू ऑल माई स्टूडेंट्स, इफ यू लर्न एवरीथिंग, इधर यू लर्न एवरीथिंग और यू डोंट लर्न एनीथिंग. क्रैश कोर्सेज आर वेरी वेरी डेंजरस, मैं हमेशा बोलता हूं. लेकिन मुझे हर अटेम्प्ट के बाद में स्टूडेंट्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स मुझे कॉन्टेक्ट करके बोलते हैं, यार इफ यू आर नॉट गिविंग अस, फिर हमको इधर उधर से खरीदना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमको एग्जाम के लिए स्टडी लीव बहुत लेट मिलती है. रिजल्ट आने के बाद में भी हमको ऑफिस बुलाते हैं, उसके बाद में एक दो महीना और जाना पड़ता है, और बाद में इतना कम टाइम होता है कि हम चाहते तेरा फुल कोर्स पढ़ना इन कंप्लीट डिटेल, बट अनफॉर्चुनेटली हमको टाइम नहीं परमिट कर पाता है. इसके लिए प्लीज हमारे लिए क्रैश कोर्स दे दो, प्लीज, ओनली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ दो स्टूडेंट्स. मैं पर्सनली इसके अगेंस्ट हूं. मैं एक बार फिर बोल दूं कि अगर आपको रियल एजुकेशन चाहिए तो फुल कोर्स इज द बेस्ट ऑप्शन. लेकिन अगर टाइम कम है, एंड इफ यू आर स्टडिंग फॉर द सेकेंड टाइम, दिस इज द कैच, अगर आप सेकेंड टाइम पढ़ रहे हो तो यू शुड गो फॉर क्रैश कोर्स, जहां पे ओल्ड और न्यू दोनों का आपको मैं ड्यूरेशन दे रहा हूं. क्रैश कोर्स के अंदर करीब करीब सब कुछ कवर कर लिया है, करीब करीब सब कुछ. अमेंडमेंट इतना डिटेल में नहीं किया, अमेंडमेंट बताया सब कुछ है लेकिन नॉट इन कंप्लीट डिटेल, जिसके लिए मैंने कोर्स नंबर 5 अलग से रिकॉर्ड किया, बट आई हैव कवर्ड अमेंडमेंट्स. लेकिन मेन थिंग ये है कि क्वेश्चन आंसर का जहां तक सवाल है, आई मे हैव कवर्ड, आई मे नॉट हैव कवर्ड. किसी किसी चैप्टर में मैंने कवर किया, किसी किसी में मैंने नहीं कवर किया है, बट दिस क्रैश कोर्स इज स्टिल बेटर देन एनी अदर क्रैश कोर्स अवेलेबल इन द मार्केट. और जिसको क्वेश्चन आंसर करना है, ये जो 400-450 क्वेश्चन के करीब जो मैं क्लास में सॉल्व कराता हूं, वो क्वेश्चन सारे के सारे करीब 20 घंटे में मैंने सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इन माई क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन वाला कोर्स. स्पेशली जो हर एक क्वेश्चन में प्रैक्टिकल समझ में जो डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे, मतलब जितने क्वेश्चन मैं फुल कोर्स में सॉल्व करता हूं वो मैंने डिस्कस किए. एंड आई हैव क्लियरली मेंशन, अगर आप क्रैश कोर्स ले रहे हो तो यू शुड मस्ट बाय दिस. विदाउट क्वेश्चन आंसर कोर्स आई डोंट रिकमेंड यू टू टेक क्रैश कोर्स, बिकॉज क्रैश कोर्स में बहुत कम क्वेश्चन है. फिर भी अगर आप इफेक्टिवली देखोगे तो 80-85 आवर्स के आसपास आपका ड्यूरेशन है, विच इज द मार्केट नॉर्म ऑफ क्रैश कोर्सेज. तो मैंने ऐसा इफेक्टिवली किया है कि कुछ बच्चे मुझे इसलिए भी अप्रोच करते हैं, सर आई वॉन्ट ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन यू हेल्प मी, तो भाई ओनली दिस फॉर यू. एंड इफ यू वॉन्ट टू लर्न देन इट इज रिकमेंडेड दैट कैश एंड क्वेश्चन यू ऑलवेज टेक
टुगेदर. तो अगर आप फुल कोर्स ले रहे हो तो ऑब्वियसली क्रैश कोर्स की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आंसर सारे सॉल्व कराए गए, ना सिर्फ डिस्कस नहीं किए पूरे के पूरे सॉल्व किए गए. लेकिन अगर आप क्रैश ले रहे हो तो आपको क्वेश्चन आंसर लेना ही पड़ेगा, इट इज अ मस्ट बाय. आई एम टेलिंग यू दिस, दो आई एम अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रैश कोर्सेज, यू विल नॉट फाइंड एनी बेटर क्रैश कोर्स देन दिस एनीवेयर एल्स. तो इन दोनों के बीच में रिविजन कोर्स, जैसे कि मैंने आपको बोला दैट मैंने पूरा का पूरा पोर्शन इन वेरी पावरफुल सेशन रिवाइज कराया है, साढ़े पांच घंटे के करीब. All of you all know this that 6th October 2017 को पूरा का पूरा पोर्शन Facebook लाइव सेशन में स्टूडेंट्स के साथ में रिवाइज किया था. फर्स्ट फैकल्टी इन इंडिया, ओनली फैकल्टी इन इंडिया जिसने पूरा पोर्शन आपको रिवाइज करवाया था. वो पूरा का वो ऑब्वियसली दिट वॉज लाइक अ नॉर्मल क्लासरूम, अपने ऑफिस में बैठे बैठे मैंने लाइव वीडियो शुरू कर दिया था. लेकिन अब आपको क्वालिटी ऑफ वीडियोज तो आपको पता ही है कितना अच्छा हम लोगों ने सॉफ्टवेयर लेके इसको क्वालिटी को इंप्रूव कर दिया. सो दैट एंटायर पावर पैक रिविजन इज नाउ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिविजन कोर्स. दिस कोर्स इज रिकमेंडेड, आपने फुल लिया तो भी, क्रैश लिया तो भी, और अगर आप मेरे फेस टू फेस बैच के भी स्टूडेंट हो, नॉट अ वीडियो स्टूडेंट, देन ऑल्सो इट इज एडवाइजेबल दैट यू टेक दिस रिविजन. माई चॉइस इज योर्स, मैं आपको फोर्स नहीं करता, मैंने आपके लिए एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी बना के रखा है. अमेंडमेंट्स, नाउ सी फुल में ऑल द अमेंडमेंट्स आर कवर्ड इन कंप्लीट डिटेल. क्रैश में अमेंडमेंट्स आर कवर्ड, लेकिन इतना डिटेल में नहीं. डिटेल में करना है तो आपको फिर ये वाला कोर्स लेना पड़ेगा. रिविजन के अंदर भी अमेंडमेंट खाली बोले है, मतलब ऑब्वियसली रिविजन मतलब रिवाइज करवा रहा हूं, बोले है, एक्सप्लेन नहीं किए. अमेंडमेंट्स को मैंने अलग से एक्सप्लेन किया है इन अ 4-आवर लेक्चर, ऑल अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल आर कवर्ड. अगर आप मेरे किसी पास्ट बैच के स्टूडेंट हो, अगर आप नवंबर 18 तक के स्टूडेंट हो, फॉर सम रीजन आपने एग्जाम नहीं दिया है, तो यू कैन गो थ्रू दीज अमेंडमेंट्स एंड गेट योर थिंग सॉर्टेड. तो आपके लिए अमेंडमेंट्स का भी मैंने अलग से रिकॉर्ड किया. सो ओनली क्वेश्चंस, ओनली अमेंडमेंट्स, ओनली रिविजन, यू हैव ऑल दीज ऑप्शंस. एंड केस लॉ लेक्चर जैसे कि हमेशा एवरी ईयर रिकॉर्ड होता है, ये अब तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ये आरटीपी आने के बाद में रिकॉर्ड होगी, क्योंकि केस लॉ के लेक्चर में सिर्फ केस लॉज नहीं, आई एम गोइंग टू कवर केस लॉज, आई एम गोइंग टू कवर आरटीपी, मैं थोड़ा बहुत आईसीडीएस भी डिस्कस करता हूं, मैट में जो इंडिया एस के एडजस्टमेंट्स आए हैं वो अभी डिस्कस करेंगे हम केस लॉ के लेक्चर में. एंड यस एमसीक्यू, सो ये क्वेश्चन आंसर के अंदर एमसीक्यूज नॉट कवर्ड है. इनफैक्ट फुल कोर्स में एमसीक्यूज नहीं, हम अलग से करने वाले हैं. तो टेंशन मत लो, दोज़ हु हैव टेकन फुल कोर्स एंड क्रैश कोर्स, उनको ये केस लॉ का लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा. जब रिकॉर्ड हो जाएगा तब, मार्च में रिकॉर्ड होगा फॉर मे अटेम्प्ट, सेप्टेंबर में होगा फॉर नवंबर अटेम्प्ट. व्हेन वी विल रिकॉर्ड अवर क्रैश कोर्स, आई एम सॉरी, व्हेन वी विल रिकॉर्ड अवर केस लॉ लेक्चर, वी विल बी गिविंग यू दिस लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट. किसको? फुल और क्रैश लेने वालों को, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा. अदरवाइज यू कैन ऑलवेज गो फॉर सेपरेट परचेस ऑफ केस लॉ लेक्चर ऑल्सो. सो बेसिकली 6 डिफरेंट वेरियंट्स आई हैव गॉट फॉर यू. यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द लेक्चर, यू कैन चूज एनी कॉम्बो. जैसे बाय द वे आप फुल लोग हैं तो खाली रिविजन का ही जरूरत है और किसी का जरूरत नहीं है. केस लॉ तो वैसे भी फ्री में मिल ही रहा है, अमेंडमेंट्स ऑलरेडी इसके अंदर कवर्ड हो गए. क्रैश लोगे तो क्वेश्चन आंसर तो कंपलसरी लेना पड़ेगा, अमेंडमेंट्स थोड़ा डिटेल में करना है तो ले लेना, रिविजन फुल वाले भी ले रहे हैं आपको लेना है तो ले लेना, और केस लॉ लेक्चर विल बी गिवन टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड देन जिसको सिर्फ रिविजन, सिर्फ क्वेश्चन आंसर, सिर्फ केस लॉ, सिर्फ अमेंडमेंट्स करना है, तो आई हैव गॉट ऑप्शंस फॉर यू ऑल्सो. यू गाइज आर ऑल अवेयर कि ऑल द वीडियो लेक्चर्स के लिए वन प्लेस, वन स्टॉप प्लेस इज कॉपरगेट एडिटर, जिसका नंबर अब आपकी स्क्रीन पे टिकर पे फ्लैश होगा 9920443322. उस वीडियो, उस नंबर के ऊपर आप कॉल करके इसका प्राइसेस एंड एट व्हाट टाइम कितना दिन में अवेलेबल है, ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चंस यू कैन आस्क. नीडलेस टू से आपका डाउट्स होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो. सो बेसिकली आई हैव ब्रॉट सो मेनी थिंग्स फॉर यू, किसके लिए क्या रिकमेंडेड है वो आप लोग देख सकते हो, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन अप्रोच मी विथ रिस्पेक्ट टू दिस. तो मैंने अपना प्रॉमिस ऑनर किया, मैं आपको बोला था बहुत सारी चीजें लेके आऊंगा, आपके लिए बहुत सारी चीजें लेके आया हूं. फुल कोर्स सबसे एडवाइजेबल, अब आप अपने टाइम और रिक्वायरमेंट को देख के आपके लिए मैं इतनी सारी कोर्स लेके आ गया हूं. यू आर फ्री टू चूज वॉट एवर यू वॉन्ट. एटलीस्ट नाउ आपको कम क्वालिटी वाले दूसरे वीडियोज के लिए नहीं जाना पड़ेगा, बिकॉज द बेस्ट क्वालिटी वीडियोज आर नाउ अवेलेबल एट योर डिस्पोजल. सो ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, लव यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय, सी यू.